अगली खबर आ रही है उज्जैन से, जहां बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर भाई की हत्या कर दी गई। कार्तिक मेले में नाव वाले झूले पर कुछ युवकों ने बहन पर कमेंट्स किया, इसका मौसेरे भाई ने विरोध किया। आरोपियों ने उसे घेर कर चाकू घोप कर हत्या कर दी। घटना मंगलवार रात 10 बजे की बताई जा रही है। आगर की मास्टर कॉलोनी निवासी दीपू पिता लखन जादम बुधवारिया में रहने वाली मौसी कांताबाई के यहाँ मिलने आया था। इस दौरान परिवार में एक बच्चे का बर्थडे होने पर दूसरे रिश्तेदार भी आए थे। रात में परिवार के 15 से 20 लोग कार्तिक मेला देखने गए थे। यहाँ नाव वाले झूले पर कुछ युवकों ने परिवार की एक युवती पर कमेंट्स करते हुए छेड़छाड़ की। इसे लेकर झगड़ा शुरू हो गया। परिवार के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। यह बात सामने आई है कि कार्तिक मेले की पुलिस चौकी पर पदस्थ पुलिसकर्मी संबंधित परिवार को रिपोर्ट लिखाने का कहकर वहां से लेकर आ गए। इस बीच अकेला रह गया। उसे छेड़छाड़ करने वाले युवकों ने घेर लिया और सीने पर चाकू से वार कर हत्या कर दी। चाकू का एक वार दिल में लगा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। संजय माली भी दीपू के साथ मेले में गए थे। उन्होंने बताया, रात में हम मेले में घूमे, झूला खालिक भाई का था, आरोपी भी खालिक के परिवार के ही थे। हम 3 लोग नीचे थे, 4 लोग झूले में बैठे थे। झूले में बैठे 2 आरोपी बहन को छेड़ने लगे, गंदे कमेंट्स करने लगे, विरोध करने पर दीपू के साथ मारपीट की। झूला रुकने पर आरोपियों ने फोन कर अपने साथियों को भी बुला लिया। उनके 20-25 लोग जमा हो गए थे, दीपू को चाकू घोंप दिए। संजय के मुताबिक 22 साल के दीपू जादम के पिता का पहले ही निधन हो चुका है। घर में उसकी माँ, दादी और 2 छोटे भाई हैं। दीपू 10वीं का स्टूडेंट था और खेतीबाड़ी भी देखता था। घर की जिम्मेदारी उसी पर थी। परिवार के सुरेश सुनगरा ने बताया कि दीपू बुधवारिया में रुका था और मंगलवार को मेला देखने के बाद उसे हमारे यहाँ आना था। मेले में कुछ लड़के परिवार की लड़की को छेड़ रहे थे। वे झूले वाले के कर्मचारी ही लग रहे थे, जिन्होंने झगड़ा किया। मेले की चौकी के पुलिसकर्मी घटना की सूचना देने पर वहां आए। हमसे कहा, थाने चलो रिपोर्ट लिखाना। इस बीच लड़कों ने दीपू को घेर कर उसकी हत्या कर दी। जब हम लोग थाने पर पुलिस को घटना की जानकारी दे रहे थे, उसी दौरान एक पुलिसकर्मी ने मोबाइल पर फोटो दिखाते हुए हमसे पूछा कि ये कौन है। तो हमने बताया कि ये तो हमारा दीपू है। महाकाल थाना प्रभारी मुनेन्द्र गौतम ने बताया कि आरोपियों की तलाश कर रहे हैं, जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। संभवतः विवाद के दौरान ही युवक को चाकू लगा और वहां कोने में गिर गया। घर के लोग थाने रिपोर्ट करने आ गए। इस बीच हमारे SI को युवक पड़ा दिखा तो उन्होंने उसे तत्काल अस्पताल भिजवाया। हत्या का केस दर्ज कर झूले वालों से पूछताछ की जा रही है। CCTV भी चेक कर रहे हैं। 4 साल पहले भी आपसी विवाद में इसी तरह हत्या की घटना हो चुकी है। तब कार्तिक मेले में रात 12 बजे भैरवगढ़ के विनायका गांव निवासी जीवन पिता जगदीश की हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने उस पर चाकू से 3 वार किए थे, 2 पेट में और 1 चाकू हार्ट में लगा था। इस साल भी कार्तिक मेले में सुरक्षा को लेकर शुरू से ही सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले भी मारपीट की घटना हुई। निगम अफसरों ने सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध का दावा किया था, लेकिन इस घटना के बाद फेल साबित हुए हैं। वो उन्होंने क्या बहनों को गाली कुत्ता चालू कर दी। 2 बालक अपने पीछे बैठे थे, 2 आगे बैठे, तो अपने बालक ने बोला पीछे आ जाओ आप लोग, तो वो नहीं आए। वो अपने बालक को मारा कुटी चालू कर दी उन्होंने, बहनों को छड़ाछड़ी चालू कर दी थी। कार्तिक मेले में झूले पे किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, उसके बाद में किसी अज्ञात लड़के ने उसको चाकू मार दिया था। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।